हम लोगों ने टेबल्स के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, और कौन से ग्रुप, मतलब बिहेव करना मतलब किस तरह से उनका चेंज होता है, मतलब रेडियस, मेटलिक करेक्टर, नॉन मेटलिक करेक्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पिछले क्लास में डिस्कस किया था अच्छे से और उसे समझा था, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस दिस में कि एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद कंसीडर किया हम लोगों ने दो आइसोटोप्स के क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद म्यूटेंट्स का आ गया, उसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बाद, अरे यार पिछली वाली स्लाइड मेरी सेव नहीं हुई, गलत बात हो गई, था मैं सारा लिखा था। पिछले सर कौन सी वाली सर? क्लास में जो पढ़ाया था सेव नहीं, भूल गया करना, कोई बात नहीं, चलो दोबारा कर लेंगे। सो मैं बोल रहा था कि पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का, बताओ जरा क्या पर्पस है क्लासिफिकेशन का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, बताइए। द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कि हम जितने भी नोन एलिमेंट है उसको इस तरह से अरेंज करें कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाए और जो डिससिमिलर है वो सेपरेट हो जाए, आर सेपरेटेड, समझ आए, ये हमारे पास होते हैं। उसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताइए आगे कि किस तरह से हम बोलते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ समथिंग, रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब मुझे बताइए कि किस तरह से आप ये बात साबित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट करती है, सेम क्यों होती है, या अलोंग द ग्रुप, यानी ग्रुप में रहने वाले, जैसे मैंने बोला फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट वालों की सेम होगी, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं जवाब देगा। सर मैं बताऊं सर, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसलिए सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज हाँ, होती वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने से क्या होता है, बोलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होते हैं तो क्या होता है, बोलो, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कि ग्रुप के अलोंग द ग्रुप द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, एंड सिंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट्स व्हाई वी विल से दैट, हम लोग कहेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, समझ आया। यस सर। अच्छा तो बताइए मुझे, मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा अलोंग द ग्रुप, बताइए, ग्रुप के अकॉर्डिंग, ऊपर से नीचे को आ रहे हो आप ग्रुप में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, विल द मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस इंक्रीज क्यों, सर, एटम का साइज इंक्रीज होता है तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्यों साइज क्योंकि सर इंक्रीज, वो जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो वो दूर होता रहता है इलेक्ट्रॉन, और उसको अब वो आराम से चला जाता है, इसलिए किससे दूर होता है, वो न्यूक्लियस से, प्रोटॉन से। हाँ न्यूक्लियस से। अच्छा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस होल्ड करके रखता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा से लूज कर देगा, और जितना ज्यादा, मेटलिक करेक्टर का मतलब क्या है, कुछ जो जो एलिमेंट जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतना ज्यादा मेटलिक, समझ आए। अच्छा ये हो गया हमारे पास, अब मुझे बताइए कि अलोंग द पीरियड, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, विल द मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस साइज डिक्रीज होता है तो तब मेंटली करेक्टर डिक्रीज होता है, ओके, क्यों,
क्यों? वो इलेक्ट्रॉन पास आ गया न्यूक्लियस, बिकॉज़ द साइज इंक्रीजेस द आउटर मोस्ट शेल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा. समझ आया? यस सर. ओके, अब हमारे पास ना अलग अलग तरह से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. और हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले जो एलिमेंट्स होते हैं, पहले जो दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग, मैंने लिखवाया था तुम्हें कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलाइन. सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? अर्थ एल्कलाइन मेटल्स. ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है. और इन दोनों को टुगेदरली हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट. समझ आया? हमारे पास तीन तरह, चार तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. दिस इज द एस ब्लॉक. पहले दो ग्रुप एस ब्लॉक. मैं समझा देता हूँ और मैं लिखवा भी देता हूँ तुम्हें. एक बार मैं टेबल को इसमें डाल लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट. तो फर्स्ट, पहले दो ग्रुप को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. बाकी के जो बीच में होते हैं, यानी हम लोग बोलेंगे 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, सो ये अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इसमें हमारे पास ये जो पहले दो ग्रुप हैं, ये दो ग्रुप इनको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है. ये वाले जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक. इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं. ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेटल से नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे होते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं हम लोग इनको, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स. उसके बाद ये जो होते हैं हमारे पास, ये पूरे पी ब्लॉक होते हैं, सब पी ब्लॉक. और ये जो नीचे है, दीज टू सीरीज आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक. ये जो नीचे दो रोज रखी हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक. समझ आया? एस पी डी एफ, ऐसा समझ दो. समझ आया? गॉट इट? तो सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी, ठीक है. कौन से पी ब्लॉक होते हैं, कौन से डी ब्लॉक होते हैं. आपसे सवाल जो पूछ जाएंगे, वो सवाल पूछा जाएगा कि ग्रुप के अलोंग प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती है. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि क्या वजह है ऐसी जिसकी वजह से आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है अपने प्रीवियस वन से. तो बिकॉज आफ्टर व्हेन वी आर स्टार्ट अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन द एटम्स या एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिपीट्स करते हैं. रिपीट सिंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसलिए हम बोलेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है अलोंग द ग्रुप. समझ आया भाई? जी सर. चलो, यस सर. उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. ओके, जो पहले हमारे पास दो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो अल्कली मेटल्स होते हैं, तो पता है वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. कैसे होते हैं? सॉफ्ट, मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि दैट यू कैन कट देम विद द हेल्प ऑफ नाइफ. मतलब नाइफ से ही तुम उसे कट कर लोगे. क्या कर लोगे? बोलो. यू कैन कट कर लेंगे नाइफ से ही तुम उसे कट कर सकते हो. दूसरा, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और कैसे होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो जो एलिमेंट जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है. लाइक सोडियम, इनको जलाते हो तो इनका कलर जो होता है वो येलो, सोडियम का येलो कलर होता है, येलो कलर से जलता है. पोटेशियम वॉलेट कलर से जलता है, लिथियम पिंक से जलता है. तो इस तरह से ये जलते हैं, ठीक है. ज्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, दूसरे को दे देंगे और स्टेबल हो जाएंगे, सिवाय लिथियम के एंड बेरिलियम. कि लिथियम और बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन साइज बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, तो इतनी आसानी से दे नहीं पाता इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, तो शेयरिंग कर लेता है. समझ आया? तो लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड. गॉट इट?
शेयरिंग करके बनाते हैं, बाकी के कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आयोनिक। तो पहले दो ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, समझ आया, एक्सेप्ट दी लिथियम एंड बेरिलियम, गॉट इट। दूसरा तरह का सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह के सवाल इससे पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि सपोज कीजिए कि भाई ये एलिमेंट है और ये इस बताइए कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में लाई करेगा, एटॉमिक नंबर दे देगा। सपोज कीजिए आपको दे दिया गया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 या एक्स एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 20, आप बताइए कि वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा। तो सबसे पहले तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे 2882, समझ आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बोलो कि ये जो नंबर है कितने शेल से, 1 2 3 4, कितने शेल से बोलो, फोर शेल, मतलब फोर्थ पीरियड में लाई करेगा, कौन से पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, ठीक है। और कौन से ग्रुप में लाई करेगा, इट विल लाइज इन द ग्रुप सेकंड, किस ग्रुप में लाई करेगा, सेकंड, सेकंड ग्रुप में लाई करेगा, गॉट इट, कोई दिक्कत। अब तुम्हें ये तो पता है ना ग्रुप का, ग्रुप हो गया मतलब सेकंड, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो बताएंगे। अब थोड़ी सी इसमें वो है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 283, 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 283, तो तीन शेल से तो मतलब थर्ड पीरियड में, कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड, तो नंबर ऑफ शेल तुम्हें क्या बताएगा कि कौन से पीरियड में है। और ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड, अगर ये 3 है 13, 2 से ज्यादा जैसे ही होगा थर्ड पीरियड तक, थर्ड पीरियड तक, अगर मैं तुम्हें पीरियडिक टेबल दिखाऊं तो थर्ड पीरियड तक देखो, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में 3 से लेकर के 12 नहीं होता, डायरेक्ट सेकंड के बाद 13 ग्रुप आता है थर्ड पीरियड तक, समझ आया, समझ आया बेटा बोलो जी सर। तो उसमें आप क्या करेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि ये, तो आप देखेंगे कि इसमें थर्ड शेल, तो अप टू थर्ड शेल दी ग्रुप 3 डज नॉट लाई, थर्ड पीरियड से हम बोलेंगे फोर्थ पीरियड से ग्रुप 3 स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड पीरियड से, किससे, थर्ड पीरियड से, अगर मैं दिखाऊं तो सॉरी फोर्थ पीरियड से, 1 2, मतलब ये ग्रुप 3, दिस इज ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, तो इस तरह से ये ग्रुप्स है, तो ये कहां से स्टार्ट है, फोर्थ पीरियड से, 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड से, थर्ड पीरियड में तो है ही नहीं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बताइए इसको आप 3 तो थर्ड ग्रुप तो लिख नहीं सकते, जैसे यहाँ पे आपने थर्ड ग्रुप लिखा था, सेकंड ग्रुप लिखा था, क्योंकि ये तो सेकंड ही था, सेकंड ग्रुप तो लाइक करता है सब में, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि ये जो लाई करेगा, दिस विल लाई इन द 13th ग्रुप, इसमें 10 ऐड कर देंगे, अप टू थर्ड पीरियड वी ऐड 10 टू द ग्रुप, टू द आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन टू फाइंड द ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अप टू थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड तक व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे बोलो, अप टू थर्ड पीरियड तक क्या करेंगे बोलो बेटा, That will be, we will add 3 plus 10, यानी outer valence electron plus 10, मतलब third period तक, if valence electron is greater than, किससे ज्यादा greater है बेटा बोलो, 3, greater than 2 से ज्यादा है, then we add 10 to, किसमें ऐड करेंगे, टू valence electrons to find its group, समझ आया, उसका ग्रुप पता करने के लिए, थर्ड पीरियड तक ही है। अब एक चीज तुम्हें याद रखनी है, ये कि सबसे पहले ग्रुप 2 होता है, मतलब पहले 2 होता है, आपने ये पढ़ा भी है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 2, यानी 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम होता है पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में कितने होते हैं, 8,
फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। ओके, ये आपको पता है। तो पहला जो ग्रुप स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, वो एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है। दूसरा ग्रुप जो स्टार्ट होता है वो कितने से स्टार्ट होता है? 3 से। समझ आया? हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आएगा लिथियम। तो आपको ये एक छोटी सी टेबल याद रख लेनी है और उनका एटॉमिक नंबर याद रख लेना है। अगर आपसे इसके बाद कहीं भी पूछेगा, जैसे सपोज कीजिए आपसे पूछेगा हाइड्रोजन, ठीक है ली ना करे, हेलिना करे रब से फरियाद, उतना नीचे तक फंक्शन तक तो जाना भी नहीं है तुम्हें, मतलब तुम्हें सीजियम भी नहीं आएगा। बहुत हद तक तुमसे पूछा गया तो सोडियम के बाद रुबिडियम तक पूछ सकता है, ठीक है। चलो हम लोग फ्रेंशियम तक, सीजियम तक कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका होता है कितना? 11। 11, 8 ऐड करोगी तो 11 हो जाएगा। इसमें फिर तुम 18 ऐड करोगी, यानी तुमने ये होता ना 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें तुमने ये तुमने ऐड किया तो ये आया आंसर, फिर इसमें तुमने ये ऐड किया तो ये आया आंसर, फिर इसमें तुम ये ऐड करोगे तो कितना आएगा? 19। नहीं, यहाँ पे पोटेशियम रह गया ना, पोटेशियम रह गया तो 19 आएगा, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ओके, तो फिर 19 आया उसके बाद, ठीक है, ये ऐड किया तो ये आया, फिर ये ऐड करोगी तो यहाँ पे आएगा। तो बताओ 18 और 19 कितना? 36, 37। 37 उसमें ये ऐड करो कितना आएगा? 37 में 32? 55 कैसे बेटा? 69 कितना आएगा? 69 2 8 18 18 18 32। एक मिनट, बट इट विल बी 55। एक मिनट, इसमें 18 आएगा दोबारा, 2 8 8 18 18 32, अब होगा 32। तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया कितना? दैट इज यहाँ पर कितना था? 19 18 37, ठीक है, उसके बाद 55, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये 55 से चला होगा, ये 1 से चला होगा 2 तक पहुंचा है मैक्सिमम, इसमें दो ही एलिमेंट थे। उसके बाद ये 3 से स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है 10 तक एंड होगा, यानी दूसरा ग्रुप में 3 से स्टार्ट होगा और 10 तक एंड हो जाएगा, 3 to 10, ठीक है। 3 से स्टार्ट हुआ होगा और 10 में खत्म, फिर 11 से स्टार्ट हुआ होगा तो 18 पे खत्म, फिर 37 से स्टार्ट हुआ होगा नेक्स्ट ग्रुप, तो फिर ये सॉरी ये 19 से स्टार्ट हुआ होगा तो ये कहाँ पर खत्म होगा? 36 पर। और उसके बाद फिर ये 37 से स्टार्ट हुआ होगा तो ये कहाँ पे खत्म होगा? 54 पर। और ये 50 बस यहीं तक काफी है। अब ये 55 से स्टार्ट हुआ तो इसमें 32 ऐड कर दो, ठीक है, तो 87 इस तरह से ये होगा। अब मेरी एक बात समझनी है तुम्हें, तो ध्यान से क्या समझनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सपोज कीजिए आप बताइए कि एटॉमिक नंबर जिसका एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है लेट्स सपोज 54 ले लेते हैं यहाँ पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 49, बताइए कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में लाई करेगा? इन विच ग्रुप एंड पीरियड, किस ग्रुप और पीरियड में ये लाई करेगा, बताइए, टेल मी बेटा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू फॉर दिस? सर जी, सुन रहा हूँ मैं। सर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, इसके 49 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके तुम कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसे कर सकते हो कि जैसे 37 से स्टार्ट हुआ है ना, अभी तुम्हें पता है कि 49 जो होगा वो इस वाले उसमें आएगा ना, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसमें तुम याद रखना 1 से स्टार्ट होता है हाइड्रोजन हीलियम, ये तुम्हें याद रखना है, बस ये तुम्हें इतना याद रखना है। सो 1, 3, 11, 19, 37, तो थर्ड ग्रुप तक तो तुम्हें पता है कि थर्ड ग्रुप में 3 से लेकर के 12 ग्रुप नहीं होता है, 3 to 12 नहीं होता है उसमें। हम लोग को अगर 3 आया आउटर मोशेल में या जो भी हुआ तो हमें उसका ऐड करना पड़ेगा 10, वो बात की बात है, उसे देखेंगे अभी बात में। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट 49 कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में लाई करेगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे उसके लिए?
आपको पता है कि ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो ये 49 जो आएगा वो 37 और 59 यहाँ पे कहीं होगा, तो उसका मतलब दैट वुड बी इन द फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में होगा। और ग्रुप अगर पता करना है कौन सा ग्रुप है तो आप लिख लो 37 से स्टार्ट हो जाओ, 37, 38, या तो ऐसे गिनना शुरू कर दो 49 तक, या फिर आप एक काम कीजिए 49 में से 37 को माइनस कीजिए, और क्योंकि आप 37 भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें तो जो डिफरेंस आएगा ना वो एक कम आएगा, जैसे यहाँ पर 9 में से इधर 2 बचा और फिर यहाँ पर आपका 12, तो ये 13 हो जाएगा, यानी इसमें तुम्हें 1 और ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो एडिंग दी 37, आपको 37 इंक्लूड करना है। आप गिनना शुरू करेंगे 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, तो यू विल फाइंड दैट कि ये कहाँ पर आएगा, दैट विल बी ऑन दी 13 ग्रुप, तो ये 13 ग्रुप पर आएगा, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे भी तो 49 एलिमेंट जो होगा वो फिफ्थ ग्रुप और तुम्हारा 13 उसमें होगा। देखो ये 13 ग्रुप है और इंडियम ये है 49 जो एलिमेंट है, दैट इज इन फिफ्थ ग्रुप, एंड समझ आया? तो ग्रुप और पीरियड निकाल लोगे अगर बोला जाए क्वेश्चन में कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में लाई करेगा। चलो मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन लेकर के। चलिए मुझे बताइए कि सबके लिए मैं दे रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, फिर उसके बाद 3 होता है यहाँ पर, फिर उसके बाद 11 होता है, 19 पोटेशियम तक तो याद ही होगा सबको, ये तो आपको हेलीना ना करे रब से फर याद, बस रब तक याद रखना है, उससे आगे आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि सीजियम आ जाएगा फिर उसके बाद उसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आ जाती है, तो वो नहीं पूछेगा आपसे। सो अभी आपसे पूछा जाएगा कि 39 उसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो दैट वुड बी दी 37, ठीक है 37। अब आपसे पूछा जाए, चलिए बताइए कि ये वाला जो होता है यहाँ से 37 के बाद ये वाला 55 होता है यहाँ पर, सीजियम का टॉपिक नंबर 55 होता है, यानी ये 55 तक स्टार्ट होगा, यानी 37 से लेकर के 54 एलिमेंट इस वाले उसमें आ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, चलिए मुझे बताइए कि एलिमेंट नंबर 32 और तुम्हारा 25 एंड 16, एटॉमिक नंबर 16 और 21, बताइए किस ग्रुप और किस पीरियड में लाई करेंगे, फटाफट से बताइए। किस ग्रुप और किस पीरियड में लाई करेंगे 32, 25, 16 एंड 21। फटाफट से ट्राई कीजिए, मुझे बताइए। Have you done? 2 minutes, sir. फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे और अच्छे क्वेश्चंस निकालते हैं चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हैं। देखते हैं तुम्हें कितना आ गया है चैप्टर।
डन डन अरे आसान है भाई, देखो कैसे होगा। 32, 32 कहाँ लाई करेगा, 32 लाई करेगा यहां पर, क्योंकि ये 37 से स्टार्ट होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया, 1 2 3 4th, फोर्थ पीरियड में अब कोई रूल नहीं लगता ग्रीक ग्रुप में 10 ऐड करना। थर्ड पीरियड तक लगता है कि अप टू थर्ड पीरियड तक अगर दिक्कत, थर्ड पीरियड में ग्रुप 11 से लेकर के सॉरी 3 से लेकर के 12 तक नहीं होता है, 2 के बाद डायरेक्ट 13 आता है। तो यहाँ पर केस है कि 2-2 ग्रुप जो है वो डायरेक्टली 13 पर जम करता है, ठीक है, यानी कि इसमें 3 से लेकर के 12 तक नहीं होता है। तो ये तो मिसिंग वाला पोर्शन हो गया, लेकिन ये तो 32 है तो जाहिर सी बात है फोर्थ में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फोर्थ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर ये फोर्थ में है, ये फोर्थ में है, फोर्थ पीरियड, पीरियड तो फोर्थ हो गया, अब ग्रुप आपको बताना है, तो फटाफट से बताइए 32 को में से 19 को माइनस कीजिए कितना आएगा, बोलिए। 13 कितना आएगा, 13, उसमें 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है, उसमें क्या प्लस कर दीजिए बेटा, 1 प्लस कर दीजिए, तो कौन से ग्रुप में हो जाएगा ये, 14 ग्रुप। चलिए उसके बाद आप पूछा 25, बताओ 25 कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में होगा, फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में होगा, क्योंकि 9 बेसिक्स रहता है तो फोर्थ में होगा। ओके अब ग्रुप बताइए कौन से ग्रुप में होगा, 7th ग्रुप सर, कितना, 7th ग्रुप, ओके। अब बताइए इसमें कितना होगा, 7th ग्रुप में कौन सा, अच्छा 36 बोल रहे ना, तो कौन सा था, 25 था ना, ठीक है 27, मुझे लगा कि 7th पीरियड बोला तुमने, एकदम चौंक गया। उसके बाद 16th बताइए, 16 कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड, थर्ड पीरियड 16th ग्रुप, हाँ थर्ड पीरियड, तो इसमें तो तुम कर भी सकते हो, 16 है ना, तो इसमें 2-8, 2-8-6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप, तीन इसको यानी तीन अगर हो रहे हैं तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके तुम निकाल सकते हो, 2 से ज्यादा तो 16th ग्रुप हो जाएगा। ओके 21 वाला बताइए, थर्ड ग्रुप, गुड वेरी गुड, अरे वाह तुम तो सारे बच्चे एकदम जीते हो गए भाई, चलो माशाल्लाह। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए अब बताइए मुझे जवाब, फटाफट से बताना शुरू कीजिए जवाब क्या होगा, कौन से पीरियड तक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वैलिड था, इसने कैल्शियम पता है सबको, कैल्शियम, वेरी गुड कैल्शियम। उसके बाद नेक्स्ट, According to Mendeley periodic law, the elements were arranged in the periodic table in order of, बोलिए क्या आंसर होगा, increasing atomic mass Mendeleev ने, okay next, कौन से elements के लिए Mendeleev ने जगह छोड़ी थी और वो बाद में discovered हुआ था, जर्मेनियम सर,
ओके चलो जर्मेनियम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर. आगे करो क्वेश्चन नंबर फोर का जवाब दो फटाफट से. सर फर्स्ट ओनली. फर्स्ट ओनली देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर इनकरेक्ट. द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. एकदम गलत है. ठीक है उसके बाद एलिमेंट नंबर आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. दूसरा भी गलत है. तीसरा है द आइसोटोप्स आर अरेंज इन द एडजॉइनिंग ग्रुप्स. आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी. उसी ग्रुप में ही उसी जगह पर प्लेस हो गया था क्योंकि आइसोटोप्स वो एटॉमिक नंबर होते हैं जो इनका सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है. तो आइसोटोप्स आर प्लेस इन द एडजॉइनिंग ग्रुप. एडजॉइनिंग मतलब बराबर या उसमें. उसके बाद चलो उसके बाद है द एलिमेंट्स मतलब एडजॉइनिंग मतलब क्या होता है बोलो. साथ वाला ग्रुप. हाँ साथ वाला तो उसमें तो नहीं था. उसके बाद कह रहा था एलिमेंट्स द मॉडर्न ट्यूबल्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट. बस फोर्थ सही है. तो इसका बी ऑप्शन सही होगा. गॉट इट समझ आया. यस सर. क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ फटाफट से. सर सी. सी विच ऑफ द फॉलोइंग. तुम्हारे लोग तुम लोग के रिजल्ट्स पता चले क्या स्कूल्स के आज किसी बच्चे के कितने आए साइंस में या मैथ्स में. आज रिजल्ट डिक्लेयर हो गया ना सीबीएसई का फर्स्ट टर्म का. किसी को नहीं पता चला. चलो खैर कोई नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट बताइए. सी सर. सी फिफ्थ में डी. हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज ग्रुप्स. इट हैज सेवन हॉरिजॉन्टल रोज एंड नोन एज ग्रुप्स. गलत है. सेवन हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग ग्रुप्स नहीं बोलते. हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास जो होते हैं पीरियड्स होते हैं. इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाओ. बताओ फटाफट से क्या जवाब होगा. बोलो सर. आंसर बी. बी. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एंड ई विद एटॉमिक नंबर 2, 3, 7 रेस्पेक्टिवली बिलोंग टू सेम ग्रुप. तो सेम ग्रुप में कौन कौन से होंगे ये आपको बताना था. आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो सर. सेम पीरियड में. अच्छा सेम पीरियड बोल रहा है ना. अच्छा सेम पीरियड बोल रहा है. So, and 30 भी बोल दिया ना. तो belongs to same period. तो भाई आपने लिख रखा है यहाँ पे कि 1 उसके बाद 2 उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका 11. तो यहाँ पर 2 से लेकर के ये सारे एलिमेंट सेम ग्रुप सेम पीरियड में होंगे एंड ग्रुप इन सेकेंड पीरियड. 30 अलग हो जाएगा. सो ए बी सी एंड डी. तो अच्छा ए बी सी डी है ना. तो ए बी सी तो डी. अच्छा डी लिखा ही नहीं है सर ना. फॉलोइंग एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई आर द रेस्पेक्टिवली गिवन है 2, 3, 7 2 सर 7 एंड 10. हाँ
वहां थ्री आएगा, 1311। वही तो गड़बड़ कर रहा है ना, 1311 दैट ये नहीं आएगा फिर, 310 है, ठीक है, बी सी डी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पर, सेवेंथ पे आ, बताओ क्या जवाब होगा। A, B, C, D, E, F, E, respectively atomic number given हमके and respectively which are the following belong to the same group? Same group का पता लगाने के लिए तो सिर्फ atomic number के जो outer most shell के electrons होते हैं वही तुम्हें help करेंगे। So और वो भी जरूरी नहीं है कि up to third period तक तो वो भी valid नहीं है कि three आ जाए किसी के outer most shell में तो third period में तो 13 में चला जाएगा, fourth period में वो 3 में रह जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सही से करना है, तो 2 8 2 7 2 8 1 और 2 8 7 एंड 2 8 2 सर 9 and 17। सो हम बोलेंगे कि ए एंड सी सी। ओके नेक्स्ट बताइए, Where do you locate the element with electronic configuration 2.8? कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप 18। ग्रुप 18। Very good। ग्रुप 18 है। क्वेश्चन नंबर 9। जो एलिमेंट्स एसेंशियल है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जाहिर सी बात है वो कार्बन की बात कर रहा है, वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2.4, ग्रुप 14, ग्रुप 14 को ब्लॉक कर दिया, 14 सर। ओके नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द फॉर द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब द आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2? तो पीरियड 2 जो स्टार्ट होता है उसमें दो शेल्स होते हैं, दो शेल्स में फर्स्ट पीरियड में एक शेल, दूसरे पीरियड में दो शेल, तीसरे पीरियड में तीन शेल, चौथे पीरियड में चार शेल, इस तरह से होते हैं। तो वो पता है कि एक ही हम स्टार्ट करते हैं हम लोग KLMN, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड शेल जो होगा वो आउटर मोस्ट शेल होगा यहाँ, ठीक है, तो एल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके समझ आया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, में से किस में सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले 20 एलिमेंट्स को याद कर लेना जरूर, ठीक है। इसमें फॉस्फोरस होगा, इसके पास होते हैं 281 एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं 283 तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं 284 चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं 285 तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट आगे बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर रेडियाई ऑफ ओ एफ एन एन, बताइए। Sir, FON. Which of the following gives the correct increasing order of the atomic radii of O, F, and N? Answer D. अच्छा, पूछ रहा है कि increasing order of the atomic radii, तो सबसे ऐसे जाते तो atomic radii घटता है, तो पहले जो होगा वो मतलब हम लोग को घटने से पीछे की तरफ आना है। तो atomic number ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 7, सॉरी 9 और इसका होता है 7। 7
तो हम लोग किस तरह से लगाएंगे, जिसका कम एटॉमिक नंबर होगा वो जाहिर सी बात है बड़ा होगा साइज का, क्योंकि ऐसे साइज घट रहा है, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक रेडी आए, तो हमें सबसे पहले सबसे बड़े सबसे ज्यादा वाले को रखना है, यानी कि सबसे पहले होगा फ्लोरीन, उसके बाद हमारे पास होगा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ओके एफ ओ एन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसके लिए सबसे छोटा होगा, गॉट इट? यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? सोडियम सर। सोडियम क्यों? सोडियम क्यों होगा, पोटेशियम क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 281, ये हमारे पास हुआ 282, ये सेम ग्रुप में है, ये पहले आ रहा है ये बाद में आ रहा, तो मतलब ये बड़ा हुआ, अभी तक मैग्नीशियम बड़ा है। उसके बाद जैसे हम लोग आएंगे 2881, ये हमारे पास चार शेल हो गया, तो चार शेल में तो जाहिर सी बात है तीन शेल वाला से बड़ा ही होता है चार शेल वाला, यस सर, पोटेशियम बड़ा हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे 2882, तो पोटेशियम के बाद कैल्शियम आएगा, तो जाहिर सी बात ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ पर पोटेशियम यहाँ कैल्शियम, तो साइज घटेगा, कैल्शियम का छोटा होगा तो उसका मतलब ये साइज बड़ा है। समझ आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ, क्या जवाब होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली? बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली? इनमें से कौन सा जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? कैल्शियम। कैल्शियम। चलो फिर से चेक करते हैं, ये हमारे पास है 282, ये हमारे पास है 281, उसके बाद है 2881, उसके बाद हमारे पास 2882, तो जिसका सबसे बड़ा साइज सबसे पहले लूज करेगा, इसलिए इन सारे मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। सोडियम को रखते थे ना, याद है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, आलू जरा फीके, समझ में आया? तो सारा आएगा यहाँ पे का, केदारनाथ का कैल्शियम ऊपर आएगा फिर मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम है सबसे ज्यादा, कैल्शियम पोटेशियम रिएक्टिव है। समझ आया? यस सर। सबसे बड़ा साइज है इसका। ओके नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली? नहीं लूज करेगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो सबसे मुश्किल से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सबसे छोटा साइज इसका होगा फ्लोरीन। तो मेटल्स तो फटाफट से लूज कर देते, तो मेटल को तो एक्सक्लूड कर दो, फ्लोरीन ही बच रहा है, तो भाई यही नहीं लूज करेगा, गेन करेगा, वैसे भी इसके आउटर मोशन में 2.7, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लूज क्या करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, 16 पर, बताइए क्या जवाब होगा? बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर द आइसोटोप्स ऑफ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट? टू एंड फोर डी,
ओके टू एंड फोर आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मासेस सही बात है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मासेस गलत है तो सॉरी आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स अच्छा पूछा करेक्ट है ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ आइसोटोप ठीक है सेम आइसोटोप जो होते हैं वो टॉप डिफरेंट मतलब मास डिफरेंट होता है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर सही बात है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं कई हद तक आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हाँ आइसोटोप सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को एग्जैक्टली शो करते हैं तो सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके चलिए नेक्स्ट बताइए arrange them in increasing order of their metallic character simple tum inko atomic size ke basis par arrange kar do jiska sabse chota size hoga decreasing matlab ghatte hue yani jiska sabse bada size hoga pehle usko rakho uske baad usse chota usse is tarah se rakhna hai ab bataiye fatafat se kaun sa wala pattern sahi hoga boliye बताइए फटाफट से सी सर बी सर बी कितना बी कोई कह रहा है सी कोई कह रहा है देखो सबसे पहले हमारे पास आएगा कोई बी भी बोल रहा है अच्छा सबसे बड़ा साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर मेटलिक करेक्टर तो जाहिर सी बात है मेटलिक करेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है वैसे अभी तुम्हें पता है यार तुम इसको वैसे भी लगा सकते हो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता उससे भी तुम इसको लगा सकते हो पहले पोटेशियम आता है सॉरी सोडियम आएगा फिर मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम ठीक है फिर सिलिकन फिर क्लोरीन इसका आंसर सही जो होगा दैट वुड बी डी अगर हम बात करें तो बी होगा ओके क्योंकि सब सेम पीरियड के हैं सब सेम पीरियड के हैं ये सब थर्ड पीरियड में है 281 282 283 284 287 तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल सोडियम उसके बाद मैग्नीशियम उसके बाद एल्यूमिनियम फिर उसके बाद सिलिकॉन हो वैसे भी वैसे भी पता है कि सोडियम का साइज सब सेम पीरियड में है तो 281 282 283 और उसके बाद होगा तुम्हारा 284 एंड देन क्लोरीन है तो 287 ओके तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये क्योंकि सबसे ज्यादा साइज बड़ा साइज इनके अलोंग द पीरियड सोडियम का ही होगा समझ आया सर ये तो इंक्रीजिंग हो गया ना इंक्रीजिंग में कैसे हो गया बेटा सबसे पहले उसके बाद उससे कम क्लोरीन सबसे लास्ट में होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना यस चलिए नेक्स्ट 18 पर आ जाओ बताइए क्या जवाब होगा बोलो बेटा 28 अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटलिक करेक्टर बताइए नॉन मेटलिक करेक्टर मतलब मेटल्स बिल्कुल ना हो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक करेक्टर जो होता है वो फ्लोरीन का होता है ठीक है इंक्रीजिंग नॉन मेटलिक करेक्टर तो इंक्रीजिंग होना चाहिए इंक्रीजिंग नॉन मेटल कैरेक्टर सबसे कम कौन सा है नॉन मेटल वो फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा तो
जाहिर सी बात है फ्लोरीन के ये तीन पार्ट इन्होंने लिख रखे हैं और ये तो तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने फ्लोरीन लिख रखा है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, इन्होंने सबसे कम कर रखा फ्लोरीन को, तो बचता कौन है? बी ऑप्शन ही बच रहा है। समझ आया? नेक्स्ट बताइए, ई का एल्यूमिनियम मतलब होता है नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, उसकी ऑक्साइड क्या होगी? तो जाहिर सी बात है उसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है? सर सी, Al2O3, तो दैट विल बी E2O3 सी। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 20th क्वेश्चन पे आओ। Three elements, boron, silicon and gallium, are metals and non-metals, ये दे रखा है। इनमें से कौन से metals है, कौन से metalloids है, बताना है आपको। Three elements, boron, silicon and, तो boron, boron होता है atomic number 2, 3, okay, 5, और ये होता है हमारे पास 284, और ये हमारे पास होता है, तो बोरॉन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए ये हुआ मेटल। बीच में आया सिलिकॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं दैट इज नॉन मेटल, सिलिकॉन नॉन मेटल होता है, एंड गैलियम जो होता है, सॉरी जर्मेनियम जो होता है वो दैट इज मेटलॉइड, वो मेटलॉइड की कैटेगरी के अंदर आता है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। समझ आया? समझ आया? Yes, मैं बता देता हूँ कि तुम थोड़े से मेटलॉइड्स को, इनको याद कर लेना, जरूरी है मेटलॉइड्स के नाम। इस पीरियोडिक टेबल में जो ये दे रखे ना, अरे यार सेमीकंडक्टर्स, इसमें ये टेबल दूसरी है एक्चुअल में, किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग कलर से, मेटल्स नॉन मेटल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो जनरली ये जो आते हैं ना नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स जो आता है, तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और एज वेल एज मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी को शो करें उसको हम लोग, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करें उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो उनके नाम याद कर लेना, चार पांच एलिमेंट्स है जो मेटलॉइड्स होते हैं। उसके बाद आगे आ जाओ, Which of the following elements forms will form acidic oxide? जो metal oxides होती हैं वो basic होती हैं और non-metallic oxide जो होती हैं वो acidic होती हैं। तो elements with atomic number 7 होने पर तो हाँ, तो ठीक है यहाँ पर जाएगा 2.5, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2.1, this will be 282 and this will be 287. 287, तो जाहिर सी बात है इसमें से अगर पूछा जाए कौन सा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, तो नाइट्रोजन जो होता है जब वो मेटल